मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है कि भारतीय एक्सपेक्टिंग है एक पतिव्रता जो होती है ना, चाहे कितनी भी स्टाइलिश हो, कितनी भी कूल हो, शी इज वेरी वैल्यूज बहुत इंटैक्ट है उसकी। तो हर्ष बड़ा खुश हो गया, बोले और मैं तो जैसे ही वो खुश हुआ बोलने ही वाला था कुछ, और भारती बोली उसे घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। Really, apart from this, I wanted to know, जिस तरह से बात की जाए, अगर मोनी की ही बात करें तो उनको लेकर न्यूज है कि she'll be soon getting married. अगर बात करें भारती की तो she is expecting. So, जिस तरह से अगर बात की जाए एक एक सभी के बारे में, तो ये सारी चीजें जब आपके आपको पता चली थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो हाउ वाज योर रिएक्शन? क्योंकि फैंस जो है वो ये सारी चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। सही बात है, सो ट्रू, बिकॉज दीज आर सच बिग न्यूज मेरे लिए। यू नो आई लव इट व्हेन समथिंग, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है कि भारतीय एक्सपेक्टिंग, यू नो, बिकॉज़ आई नो व्हेन मेरे बेला बेना जब हुए थे भारतीय, तो यार मुझे लड़कियां चाहिए, मुझे लड़कियां चाहिए, यू नो, मुझे ऐसे दे दो मैं गोद ले लेती हूँ, यू नो, सो आई एम सो हैप्पी फॉर हर दैट, यू नो, शी इज गोना बी अ मदर सून, एंड इट्स सच अ डिफरेंट फीलिंग हैविंग अ फैमिली, एंड इवन फॉर मोनी, शी इज गेटिंग मैरिड, आई हैव ऑलवेज नोन दैट, यू नो, शी इज एक पतिव्रता जो होती है ना, चाहे कितनी भी स्टाइलिश हो, कितनी भी कूल हो, शी इज वेरी वैल्यूज बहुत इंटैक्ट है उसके, शी इज वेरी यू नो लाइक शी वुड लव हर हस्बैंड टू डेथ, यू नो, इट्स दैट वे, यू नो, एंड शी फाइनली गॉट, शी फाउंड लव, एंड शी इज गेटिंग मैरिड टू दैट लव, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग, मैन, आई जस्ट हैप्पी फॉर दिस गाइस। मैंने निया को भी पूछा था, निया मुझे ये बता कि is there anybody waiting in the line for you? So कहती है कि यार, even I'm finding true love. You never know. After the episode, she may just find a true love. Okay. और वो कौन से factors होने वाले हैं, जो जैसे आपने कहा कि कार वाला vlog है, जो कि काफी ज्यादा ही unique concept है, ये मुझे लगता है ऐसा तो concept किसी ने नहीं लाया होगा, लेकिन जब आपने first time इसके बारे में बात की, तो सबसे पहले आपको किसने, आपने किसको सुनाया इसके बारे में कि आपके दिमाग में इस तरह का थॉट प्रोसेस है, और रिएक्शन कैसा मिला था आपको? फर्स्ट सी, व्हाटएवर आई डू, आई ऑलवेज बाउंस इट ऑफ विद टीजे वंस, ओके, बिकॉज़ शी इज लाइक माय बाउंसिंग बोर्ड, एंड शी सेड इट्स अ लवली आइडिया, समथिंग न्यू, समथिंग ऐसा कुछ किसी ने किया नहीं है, एंड इसमें बहुत सारी चीजें निकल के आती है, कैंडिड बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे कि मैं एक सवाल पूछता हूँ, यू नो, इसमें इट्स लाइक अ नो होल्ड्स बार काइंड ऑफ अ शो, where I would ask something and you don't have to answer it the way the question, like for example, मैंने सवाल पूछा निया को कि who needs a stylist, you know, because you are such a, you know, like a fashionista, you know, you dress so well, you know, you're so much into styling, तो तुम्हारे हिसाब से हमारे इंडस्ट्री में किसको स्टाइलिंग की जरूरत है? तो उसका जवाब ऐसा था कि मुझे ये नहीं पता किसको जरूरत है, मुझे ये पता है किसको नहीं जरूरत है, वो है मोनी। और मैंने कहा absolutely, since that time we've known Moni, she has always been stylish, always, you know, whether it's Indian, whether it's Western, whether it's casuals, you know, so I love these kind of answers where they're so natural, but still people want to know, okay, iska sawal ka jawab kya hone wala hai. Jaise maine divyanka ko, jaise divyanka ko maine pucha ki is there anything that you regret, so she said something so beautiful that I regret not getting into the army. And as a, तो इस पर मुझे एक सवाल मिल गया कि मतलब ये आर्मी के बारे में बताइए, मतलब how come you thought of getting into the army? And then she gave an entire history behind it. So again, that was so interesting. भारती को भी मैंने पूछा, मैंने, क्योंकि भारती, हर्ष और मैं तीनों एक साथ गाड़ी में, तो मैंने भारती को पूछा, भारती मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा कुछ एक वेब सीरीज मिले या पिक्चर मिले हर्ष को और उसमें किसिंग सीन हो, तो तू अलाउ करेगी इसे? तो हर्ष बड़ा खुश हो गया, बोले और मैं तो जैसे ही वो खुश हुआ बोलने ही वाला था कुछ, और भारती बोली उसे घर से बाहर निकाल दूंगी मैं।